गणेशपेट पुलिस थाना अंतर्गत 9 मार्च को 35 वर्षीय व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में यश प्राप्त किया है। बता दें कि इस घटना को अंजाम देने वाली और कोई नहीं, मृतक की पांचवी पत्नी स्वाति है, जो अब जेल की सलाखों के पीछे है। ऐसी जानकारी गुरुवार को पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने पत्रकार परिषद में दी है। मंगलवार 9 मार्च को गणेशपेट पुलिस थाना अंतर्गत हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें रजत संकुल बिल्डिंग में फ्लैट नंबर 103 हेल्थ प्रोडक्ट मार्केटिंग में हड़को कॉलोनी के रहने वाले 35 वर्षीय लक्ष्मण मलिक की हत्या की वारदात सामने आई थी। इस मामले में अब पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। ऐसी जानकारी गुरुवार को हुई पत्र परिषद में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने दी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि मृतक के पहले से ही कई महिलाओं के साथ संबंध थे और उनकी 5 पत्नियां थी। उन्हें में से पांचवी पत्नी स्वाति ने मृतक लक्ष्मण को मौत के घाट उतारा है। स्वाति दोपहर करीब 2 बजे के दरमियान मृतक के घर ओला कैब से पहुंची और उस दौरान उसने अश्लील वीडियो दिखाकर मृतक को प्रलोभित करने का प्रयत्न किया, जिस दौरान आरोपी ने लक्ष्मण को एक कुर्सी पर बिठाया और वीडियो दिखाते दौरान उसके गले पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस संदर्भ में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने अधिक जानकारी साझा की है। पारिवारिक झगड़ों और पैसों के चक्कर में इस घटना को अंजाम दिया गया। इस कार्यवाही में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सुनील फुलारी, नवीन चंद्र रेड्डी, पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी, गजानन राजमारी समेत संपूर्ण टीम ने अहम भूमिका अदा की है। 9 तारीख की जे गणेशपेट पुलिस स्टेशन हद्दी जे मर्डर की घटना घड़ी होती, ज्यादा एक 64 वर्षा व्यक्ति की हत्या झाली होती। ती हत्या उघडकीस आलेली आहे। त्यामध्ये त्यांची जे एका त्यांचे एकूण 5 महिलांशी संबंध होता, त्यापैकी एक जे शेवटची महिला स्वाती नावाची महिला होती, त्यांनी हे हत्या केलेले जे निष्पन्न झालेली आहे। त्यामध्ये त्यांनी अंदाजन 2:30 सुमारास दुपारी गोकुळपेठवरून ते ओला कॅबनी घटनास्थळासाठी रवाना झाले। घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर मृतक यांना सोशल मीडिया साइट्सवर उपलब्ध असलेले आक्षेपार्ह व्हिडिओ दाखवून त्यांना प्रलोभित करून त्याचे हात मागे बांधला आणि हात बांधल्यानंतर त्यांना तिथे असलेले चाकूशी त्यांना गर्दनवर वार करून त्यांनी हत्या केल्याची निष्पन्न झालेली आहे। आरोपी ताब्यात आहे। यामध्ये उद्देश जे होता हे महिलांची काही दुसरा व्यक्तीसोबत आलेले संबंध, एका 3 महिन्याचे मुला, स्वातीचे 3 महिन्याचे मुला ज्यांचे पेरेंटेज इशूवर झालेली वाद, तसेच त्यांचे पेन्शन अकाउंटचे ATM कार्ड हे महिला कडे होता आणि ते ATM कार्ड परत द्या किंवा त्या दुसरे व्यक्तीशी संबंध तुम्ही बंद करा, या विषयावर होत असलेले वादावरून हे महिलांनी कट रचून इंडिव्हिज्युअली त्यांनी ही हत्या केल्याची निष्पन्न झालेली आहे। यामध्ये DCP लोहित मतानी, DCP गजानन राजमाने, PI संदीपन पवार Unit 3 क्राइम ब्रांच, PI क्षीरसागर गणेशपेठ आणि त्यांचे पूर्ण पथक आणि विशेष करून ॲडिशनल CP सुनील फुलारी साहेब आणि ॲडिशनल CP नवीन रेड्डी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली ही पूर्ण पथकाने उत्तम कामगिरी केलेली आहे आणि हे गुन्हा उघडकीस आलेली आहे। पुढे तपास सुरू आहे। कॅमेरा पर्सन मायकल के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।